ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तुम क्या बनाते हो, इसी के नीचे दे रखा है तुम क्या बनाते हैं। तो देखिए पूरी बनाते हैं, हलवा और सब्जी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पूरी। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको पकवाना बना। पकवाना बना मतलब आप जो भी खाना बनाना चाहते हो उसका नाम, और उसमें तीन चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, तो पहला है पूरी। पूरी को बनाने के लिए हमें क्या चीजों की आवश्यकता होती है, आटा की, पानी की और तेल की। ठीक है, इन तीनों चीजों से मिलकर ही पूरी बनती है। आटा को हम सानेंगे पानी डालकर और पूरी लेकर उसे तेल में तलेंगे। दूसरा है हलवा। हलवा तो सभी को पसंद होगा, है ना। तो हलवा सूजी का बना रहे हैं, तो सूजी घी काजू बादाम और शक्कर इन चीजों से मिलकर अपना हलवा तैयार हो जाएगा। अब सब्जी। सब्जी आप जो भी आपको सब्जी पसंद हो आप वो सब्जी बना सकते हैं। आलू, मटर, तेल, टमाटर और मसाले। अब हम आलू की सब्जी बनाएंगे तो उसमें क्या क्या जरूरत लगेगी, आलू भी लगेगी, मटर भी लगेगी, तेल चाहिए, टमाटर चाहिए और मसाले चाहिए। इन सारी चीजों को मिलकर सब्जी बनेगी। ठीक है, अब आप पेज कलर कीजिए। अपना पेज कलर किए, इसमें लिखा है मट्ठा बनाना है। इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा है, मट्ठा बनाना है। ठीक है, तो मट्ठा बनाने के लिए क दिया है, क का वर्षन है आपका सरला। को इस काम के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। ठीक है, तो सरला को जब सरला मट्ठा बनाएगी तो उसको दही चाहिए, हांडी, ड्राई और पानी। ड्राई क्या होती है, जिससे हम दही को मथते हैं, मतलब दही को मथते हैं उस चीज को, जिस भी चीज से वो मथेंगे उसका नाम है ड्राई। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलोना, घोलना और फेंटना। इन तीन कामों में क्या फर्क है, बिलोना क्या होता है, घोलना क्या होता है और फेंटना क्या होता है। तो बिलोना क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को राई से मथते हैं तो वह बिलोना होगा। ठीक है, जैसे हम दही मथते हैं तो दही बिलोना होगा। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है खेलना, घोलना। घोलना ठीक है, घोलना क्या होता है, जैसे आपने पानी में शक्कर घोली, दूध में शक्कर घोली। ठीक है, जो भी लिक्विड तरल पदार्थ चीजें रहती है उसमें अगर आप घुलने वाली चीजें डालोगे तो उसे क्या कहेंगे, घोलना। और तीसरा है फेंटना। फेंटना क्या होता है, फेंटना वो होता है जब भी हम किसी चीज को अपने हाथों की उंगलियों से फेंटते हैं। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं फेंटना। जैसे आपने अपनी मम्मी को देखा होगा बेसन में पानी डाल के फेंटती है, या फिर जो भी चीज बनाती है उसे पानी, उस चीज में पानी डाल के और उसको फेंटती है, वो होता है फेंटना। ठीक है, अब